पेंगोंग झील में भारत ने किया कब्जा। फिंगर आठ की तरफ बड़े हजारों भारतीय सैनिक। जून के अंत तक अक्साय चीन समेत गलवान घाटी पर भारत करेगा कब्जा। बन चुका है मास्टर प्लान। डर के मारे चीनी कमांडर अपने राष्ट्रपति जिनपिंग से बोले, भारत से दुश्मनी अच्छी नहीं, भारत एक खौफनाक युद्ध की तैयारी कर रहा है। सीमा पर जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है और भारत ने अपने सारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स चीन और पाकिस्तान के आसपास पहुंचा दिए हैं। भारतीय न्यूक्लियर सबमरीन भी समुद्र के रास्ते चुपके चुपके चीन और पाकिस्तान की सीमा में घुस चुके हैं। यहाँ तक कि भारत देश में सबसे खूंखार एयरक्राफ्ट राफेल को भी अपने काम पर लगा दिया है। भारत के सारे मिसाइल और रडार LSC पर तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि इस वक्त चीन और पाकिस्तानी सेना तिब्बत की तरफ से भारत पर हमला करने का प्लान बना रहे हैं। भारत ने अपने सभी टॉप सैटेलाइट्स को भी चीन और पाकिस्तान के इर्द गिर्द ही रखा है। आदेश मिलते ही मात्र 6 घंटे के अंदर भारतीय सेना ऐसा आतंक मचाएगी जिसे देखने के बाद पूरे चीन में हाहाकार मच जाएगा। भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पाकिस्तान और चीन दोनों परमाणु संपन्न देश है, क्योंकि भारत ने गलवान और बालाकोट में अपने औकात दिखा दी थी और उस वक्त भी चीन और पाकिस्तान जैसे एटमी हथियार वाले देश चुपचाप तमाशा देख रहे थे। चीन और पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ दिखावे के लिए युद्धाभ्यास कर रहे हैं, लेकिन भारत ने सचमुच में जंग का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कैसे भारतीय सेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। उस वक्त भारत को जरा भी परवाह नहीं था कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, क्योंकि भारत ये बखूबी जानता था कि अगर पाकिस्तान ने परमाणु युद्ध छेड़ा तो उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। और यहाँ तक कि भारतीय वैज्ञानिकों को पाकिस्तान के परमाणु बम के बारे में एक एक जानकारी बेहद बारीकी से पता है। जानकार तो ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान को उसके परमाणु बम के बारे में जितनी जानकारी है उससे कहीं ज्यादा जानकारी भारतीय वैज्ञानिकों के पास है। और ये बात भारत को भी पता है कि चीन और पाकिस्तान एटमी जंग इतनी आसानी से शुरुआत नहीं करेंगे। इसी कारण भारत ने लगातार कन्वेंशनल वॉर के लिए हथियार जुटाए हैं, जिसमें तेजस, ब्रह्मोस, राफेल, काली, अग्नि और अमका जैसे कुछ खतरनाक हथियार है जिनका लोहा पूरी दुनिया मानती है। और ये हथियार भारत को पूरी दुनिया में काफी भरत दिलाती है। इसी मुख्य वजह के कारण चीन और पाकिस्तान भारत से भी डरते हैं। जो कांड भारत ने चीनी सैनिकों के साथ गलवान में किया था उसके बाद भारतीय सैनिकों का हौसला और भी बुलंद हो चुका है। और समय मिलते ही अक्साय चीन समेत फिंगर आठ तक कब्जा करने के लिए भारतीय सैनिक उतावले हो चुके हैं। और भारत यही नहीं रुका, बल्कि अब लगातार अपने हथियारों के जखीरे को बढ़ाता जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत अब खुद से हथियार बनाकर भी पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करने के लिए भी आगे बढ़ चुका है। लेकिन जब भारत को किसी भयंकर हथियार की अर्जेंट जरूरत होती है तो ऐसे में भारत उन्हें लगातार खरीदता भी जा रहा है। और इसी की वजह से चीन और पाकिस्तान की सांसें फूलती जा रही है। पेंगोंग झील में चीन की हर चाल पर रहेगी नजर। पेट्रोलिंग के लिए सेना ने खरीदे 12 हाई परफॉर्मेंस बोट। भारतीय सेना 12 हाई परफॉर्मेंस पेट्रोलिंग बोट्स खरीदने जा रही है। इन पेट्रोलिंग बोट्स को लद्दाख में पेंगोंग झील में तैनात किया जाएगा, जहां से चीन की हर गतिविधि पर भारत के जवान नजदीक से जाकर नजर रख पाएंगे। लद्दाख में पिछले साल मई से भारत और चीन के बीच टकराव की स्थिति बनी है। इन गश्ती नौका के आने से चीन की हरकतों पर नजर रख पाने की भारत की ताकत में काफी इजाफा होगा। खास बात यह है कि इंडियन आर्मी ने इन पेट्रोलिंग बोट्स को भारत की सरकारी कंपनी गोवा शिपयार्ड से खरीदने के लिए समझौता किया है। यानी कि इंडियन आर्मी रक्षा सौदा में आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर काम कर रही है। इंडियन आर्मी ने कहा कि उसने ऊंचाई वाले क्षेत्र में स्थित झीलों समेत बड़े जलाशयों में निगरानी और गश्ती के लिए 12 तेज गश्ती नौकाओं की खरीद के लिए सरकारी उपक्रम गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। विशेष उपकरणों से होगा लेस। वही गोवा शिपयार्ड ने एक बयान जारी कर कहा है कि देश की सेना को अत्याधुनिक गश्ती नौका की आपूर्ति के लिए गुरुवार को भारतीय सेना के साथ एक समझौता किया है। इन नौकाओं में सुरक्षा बलों की जरूरत के अनुरूप विशेष उपकरण लगाए जाएंगे। गोवा शिपयार्ड ने कहा कि इन गश्ती नौकाओं को गोवा में ही बनाया जाएगा। इसके अलावा ये नौकाएं विशेष ऑपरेशन के लिए बनाई गई दुनिया की चुनिंदा नौकाओं में से होगी।
पेंगोंग झील को लेकर विवाद। पेंगोंग झील पर कब्जे की वत्साहत को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव है। चीन ने पेंगोंग झील के उत्तरी तट पर कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया है। यह इलाका पहले भारतीय सेना के कब्जे में थे। इसके जवाब में भारत ने झील के दक्षिणी किनारे पर कई स्थानों पर कब्जा कर लिया। ये क्षेत्र पहले खाली पड़े हुए थे। इन स्थानों पर कब्जा जमाने के लिए भारत और चीन की सेनाओं के बीच टकराव तक की नौबत आ गई थी। पेंगोंग झील पहले शांत इलाके में शामिल था, लेकिन विस्तारवादी नीति का सहारा लिए चीन ने पिछले कुछ महीनों में यहां अपने आक्रामकता बढ़ाई है। 134 किलोमीटर लंबे इस झील का अभी दो तिहाई हिस्सा चीन के कब्जे में है। भारत के पास इस झील के 45 किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा है। यहां तक कि समुद्र में भी भारत बेहद आक्रामक हो चुका है और मौका देखते ही चीन पर हमला करने के लिए भारतीय नौसेना के सैनिक ऑलवेज तैयार है। समुद्र में भी चीन पर होगी कड़ी नजर। 10 और ड्रोन के लिए नौसेना के प्रस्ताव को मंजूरी। चीन से तनाव के बीच अमेरिकी ड्रोन को लेने के तुरंत बाद रक्षा मंत्रालय ने 10 सिवन ड्रोन हासिल करने के लिए भारतीय नौसेना के एक प्रस्ताव को अब मंजूरी दी है। सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 10 सिवन ड्रोन के लिए भारतीय नौसेना के 1250 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को फास्ट ट्रैक मोड में मंजूरी दी है। भारतीय नौसेना अब इन ड्रोनों को हासिल करने के लिए एक ग्लोबल रिक्वेस्ट जारी करेगी। नौसेना इससे प्रतिकूल गतिविधियों पर नजर रखने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी पहुंच बढ़ा पाने में सक्षम होगी। सूत्रों ने बताया कि नौसेना की योजनाओं के अनुसार ड्रोन को बड़े युद्धपोत पर तैनात किया जाएगा। इससे नेवी को चीन के साथ साथ भारतीय समुद्री क्षेत्र में और आसपास के अन्य विरोधियों की गतिविधियों का पता लगाने में मदद मिलेगी। भारतीय नौसेना अपने निगरानी का विस्तार करने को लेकर काम कर रही है। इस क्रम में वे अमेरिका से सी गार्डियन ड्रोन का अधिग्रहण करने के लिए अलग से एक परियोजना पर काम कर रही है। इसकी मदद से मेडागास्कर से लेकर मलक्का जल डमरू तक सर्विलांस की जा सकती है। इसके अलावा नौसेना के अपने ड्रोनों को अपग्रेड किया जा रहा है। इसे हाल ही में चर्चा के लिए रक्षा मंत्रालय के सामने रखा गया था। बहरहाल भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी के वास्ते अपने बेड़े में अमेरिका से लीज पर दो प्रीडेटर ड्रोन शामिल किए हैं। 30 घंटे से अधिक समय तक निगरानी करने में सक्षम ये ड्रोन भारतीय नौसेना के INS राजली एयरबेस पर तैनात किया गया है। ये दोनों ही प्रीडेटर ड्रोन नवंबर के मध्य में भारत पहुंचे और नवंबर के तीसरे सप्ताह में इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। सूत्रों ने बताया कि भारतीय नौसेना ने अमेरिकी ड्रोन के साथ लीज समझौते के तुरंत इन्हें हासिल किया है। लद्दाख से सटा तिब्बत का इलाका पहले से ही विवादों का केंद्र रहा है। ऐसे में चीन पाकिस्तान के इस युद्धाभ्यास पर भारत की कड़ी नजर है। इस युद्धाभ्यास में चीनी वायुसेना के अलावा पाकिस्तानी वायुसेना के कई लड़ाकू विमान भी शामिल है। लद्दाख सीमा से सटे हुए तिब्बत में दो दुश्मन मुल्कों की सेना और वायुसेना की अति सक्रियता भारत के लिए परेशानी की बात है। यही कारण है कि भारतीय थल सेना और वायुसेना ने तत्काल ही चीन से लगी पूरी सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी है। लद्दाख के सीमा से सटे हुए इलाकों में इस समय खास सावधानी बरती जा रही है। राडार, लड़ाकू विमान और अवक्स 2400 घंटे सीमा की निगरानी कर रहे हैं। भारतीय सेना भी हाई अलर्ट पर है। लगातार मोदी जी और अजीत डोवाल एक दूसरे के संपर्क में है। अगर चीन और पाकिस्तान ने कोई भी हरकत की तो फलक झपकते ही राफेल और ब्रह्मोस तंडव मचा देंगे, जिसके बाद चीन और पाकिस्तान में न हॉस्पिटल बचेंगे और न ही डॉक्टर। हर एक चीज को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अगर भारतीय सेना रौद्र रूप में आती है तो इसका सबसे बड़ा खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि चीन से निपटने के लिए तो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल जैसे देश हमेशा खड़े हैं।